तो अगर आप भी रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, फिर हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को चिल्लाई चमत्कारी जीत, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम भी रह गया दंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम T20 मैच आज खेला गया। इस मैच में रिंकू सिंह की तूफानी पारी के बाद अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने विरोधी टीम के मुंह से 17 रन का पीछा करते हुए एक ऐसी जीत छीन ली जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल था। तो आखिरकार कैसे हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को अंतिम मैच में असंभव सी जीत दिलाती है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मैच आज खेला गया। इस मैच में आज भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हैदराबाद के मैदान पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर के अंदर 227 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर कप्तान नजमुल संतो ने 103 रन का योगदान दिया, तो वहीं लिटन दास ने 75 रन का योगदान दिया। इतना ही नहीं, भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर अर्शदीप सिंह और मयंक यादव को 2-2 विकेट मिल गए और इसी के साथ भारतीय टीम को 228 रन का बड़ा लक्ष्य मिला। हालांकि 228 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही बांग्लादेश के सामने भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा आए, लेकिन दोनों ने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और दोनों बल्लेबाज आज टीम को मजबूत शुरुआत दिलवाने की बजाय खराब शुरुआत देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसंग ने मात्र 2 रन के स्कोर पर अपना विकेट दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के सामने LBW आउट होते हुए दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को तीसरे ओवर में तस्कीन अहमद ने बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों 3 रन के स्कोर पर कैच आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नितिश रेड्डी को बुलाया गया। हालांकि नितिश रेड्डी ने भी टीम को थोड़ी देर तक संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। इस दौरान पावर प्ले के अंतिम ओवर में नितिश रेड्डी मात्र 5 रन के स्कोर पर तंजीद हसन शाकिब के सामने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को बुलाया गया। हालांकि रिंकू सिंह ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 8 ओवर के अंदर मात्र 22 रन के स्कोर पर कप्तान नजमुल संतो के द्वारा रन आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग को बुलाया गया। हालांकि रियान पराग एक तरफ से तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह स्कोर कार्ड को चला रहे थे, लेकिन इस बीच रियान पराग को 13 ओवर के अंदर मेहंदी हसन की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट 32 रन पर कर दिया गया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया, जो इस मैच में भारतीय टीम के लिए मुख्य बल्लेबाज भी साबित हुए। भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह ने 14 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड को तेजी से आगे ले जाने का कार्य किया। हालांकि अभी भी मैच काफी ज्यादा भारत के पक्ष में दूर था, क्योंकि अंतिम 5 ओवर में 100 रन की दरकार थी, लेकिन इस बीच रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अगले 3 ओवर के अंदर 65 रन बटोर लिए और जब अंतिम 2 ओवर में 35 रनों की जरूरत पड़ी तो सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के तुरंत बाद में ही इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े जाकिर अली के हाथों में अपना कैच दे दिया। इस दौरान रिंकू सिंह 103 रन के स्कोर पर विलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को अंतिम ओवर में बुलाया गया। हालांकि अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद आए, जहां तस्कीन अहमद ने पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को परेशान कर बाउंसर गेंद डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या ने एक भी रन नहीं बनाया। हालांकि इसके बाद में तस्कीन अहमद ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को छोटी गेंद डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या ने पीछे की तरफ विकेट कीपर के ऊपर से चौका लगाया और इस ओवर में अपने ऊपर से दबाव हटा दिया। इतना ही नहीं, जब अंतिम 4 गेंद पर 13 रनों की जरूरत पड़ी तो अब हार्दिक पांड्या ने तस्कीन अहमद के द्वारा डाली गई तीसरी गेंद पर रन लेकर स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दे दी और जब इस मैच के अंदर ओवर की चौथी गेंद डाली गई तो वॉशिंगटन सुंदर ने एक रन लेने के साथ एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दे दी और मैच को अभी भी जीवित रखा, क्योंकि अभी भी जीत के लिए अंतिम 2 गेंद पर मात्र 11 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में तस्कीन अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद बल्लेबाज से
दूर वाइड यॉर्कर के रूप में डाली, जिस पर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने विकेटकीपर और गली के बगल में से चौका कलाइयों का उपयोग कर लगा दिया और इस मैच के अंदर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऐसे में जब अंतिम गेंद पर 7 रनों की जरूरत पड़ी तो गेंदबाज ने गलती से दिशाहीन गेंद डाली, जिस पर एक मुफ्त का रन भारत को मिल गया। और जब अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता भारतीय टीम को पड़ी तो तस्कीन अहमद ने यॉर्कर गेंद डाली जो सही ठिकाने पर नहीं गिरी और हार्दिक पांड्या ने कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को फुल टॉस में तब्दील करते हुए सामने की तरफ लंबा छक्का लगा दिया और 57 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को इस अभ्यास मैच में जीत दिलाई, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और अब ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय टीम से अंतिम T20 मुकाबले में करने लगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम मुकाबले में जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।